ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। यूरिया खाद की हो रही कालाबाजारी पर प्रशासन एक्शन मोड पर आ गया। कलेक्टर ने सरकारी कर्मचारियों को किसान के भेष में यूरिया खरीदने भेजा तो काली कमाई करने वाले प्रशासन के हत्थे चढ़ गए। अधिक दाम बेचने पर जावरा की 3 दुकानें सील कर उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। ताजा मामला जावरा का है, जहां कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने तहसीलदार की टीम बनाकर एक्शन लिया। 45 किलो भर्ती में यूरिया बोरी के भाव 266.50 रुपए निर्धारित है, लेकिन पुरानी धान मंडी क्षेत्र में 450 प्रति बोरी यूरिया बेचा जा रहा था। एक दो बोरी तो प्रशासन ने खरीद कर अपने पास रखी, उसके बाद बाजार में जांच पड़ताल की। SDM प्रजापति के नेतृत्व में एक टीम गठन कर बाजारों में घूमी, जहां छपरोद एग्रो एजेंसी पर चौकीदार जगदीश नायक को किसान बनाकर भेजा। इसने 2 बोरी यूरिया खरीदी, 900 रुपए दिए और एक कच्ची पर्ची बनवाई। इस बीच टीम पहुंच गई। प्रशासन ने जब मुनीम महावीर से बयान लिए तो उसने ₹300 से 350 रुपए यूरिया बेचने की बात स्वीकार की। नकली ग्राहक बनकर गए कर्मचारी ने बताया, किस तरह से आप आज एक यूरिया खाद के लिए ग्राहक बन के आए थे, किस तरह की कालाबाजारी हो रही है? तहसीलदार साहब के पास में एसडीएम साहब की रिपोर्ट आई है कि वहाँ ज़्यादा कीमत से यूरिया बिक रहा है। आप पूछे तो किस रेट के अंदर? तहसीलदार साहब ने भेजा है खरीदने के लिए कि आप यूरिया खरीदो, क्या भाव लेते हैं। कितनी बोरी ली आपने? एक बोरी ली 2 का बोला 900 रुपये, एक बोरी ली 450 रुपये यूरिया, श्री राम यूरिया बारी। वैसे रेट क्या है? रेट तो 266.75 की आती है, 350 की। शेयर में इस तरह की कालाबाजारी और चल रही है ऐसा बता पूछा है किसान, बोल रहे हैं कि 2-3 जगह मिल रहा है, तभी 2 जगह आए हैं। आप सिविल ड्रेस में आए थे या खरीदे? हाँ, सिविल ड्रेस में खरीदने आए। मतलब किसान ही लगे आप? हाँ, यूँ लेंगे तो अपन को मना कर रहे हैं ना, 2 जगह गए तो मना कर दिए पहचानने वालों ने। आप किसान बन के आए तो? किसान बन के आए तो बोल रहे हैं कि हाँ 450 रुपये की बोरी लगेगी, एक कितनी चाहिए बोलो आप, तो उनके एक चाहिए। ये किसान बीज भंडार पुरानी धान मंडी जावरा। नायब तहसीलदार नवीन गर्ग ने बताया, लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि यूरिया की शॉर्टेज करते हुए और उसको ज़्यादा कीमत में बेचना ये दुकानदार कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमने हमारे जो उपभोक्ता हमारी तरफ से बनाकर दुकानों पर भेजे हैं, इन 2 दुकानों पर, एक तो किसान बीज भंडार और चक्रोत, यहाँ पे हमारे 2 अलग अलग उपभोक्ता हमने बनाकर भेजे थे, जिसमें से दोनों जगह 900 रुपए में यूरिया बेचा गया है, जिसकी MRP जो है 270 रुपए है। अभी कार्रवाई चल रही है, पंदामा लिख रहे हैं जो भी कार्रवाई। किस तरह की शिकायत थी आपके पास, कब से चल रही है इस तरह की कालाबाजारी? शिकायतें कल मिली थी जो साहब को, तो उस हिसाब से आज कार्रवाई करी है। और भी क्षेत्र के अंदर इस तरह की दुकानें हैं, कालाबाजारी पे कब तक और लगाम लगा पाएंगे? जैसे जैसे शिकायतें मिल रही हैं हमको और वैसे वैसे हम हमारे हिसाब से काम कर रहे हैं। हमारे जो एजेंसी है, जांच एजेंसी से पटवारी हैं, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हैं, किसान भी हैं, ये सब भी हमें बता रहे हैं। जैसे जैसे बता रहे हैं हम, जैसे वैसी कार्रवाई पूरी तत्काल। कोई गोपनीय दल आप बना गठित करके कार्रवाई के लिए कोई दल रवाना करेंगे, जैसा तो मालूम पड़ता है कौन कालाबाजारी कर रहा है? जैसा मैंने बताया कि हमारे पटवारी हैं, कृषि विभाग के ऑफिसर्स हैं, ये सभी हमारे गोपनीय दल में ही संयुक्त हैं। ये अलग अलग कार्रवाई अपने अपने स्तर पर सभी जाँच पड़ताल कर रहे हैं, और जैसे जो जांच होती है अगर ऐसी कोई सूचना मिलती है तो फिर हम खुद मौके पे पहुंच के कार्रवाई करते हैं। किस तरह के खाद की कालाबाजारी होती है अभी तक? यूरिया का मेन। राउटी पुलिस ने चचेरे भाई की हत्या के मामले में आरोपी शांतु भूरिया पिता रमेश भूरिया निवासी ग्राम बरखेड़ा रावटी को गिरफ्तार कर लिया। उसे मंगलवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया। SDOP संदीप कुमार नेगवाल ने बताया कि 19 और 20 नवंबर के दरमियानी रात ग्राम बरखेड़ा में डामोर समाज द्वारा रात्रि जागरण कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम में लक्ष्मण भूरिया पिता हरिया भूरिया निवासी ग्राम बरखेड़ा और उसका चचेरा भाई आरोपी शांतु भूरिया भी गए थे। शांतु ने शराब के नशे में लक्ष्मण के पास पहुंचकर उससे कुरकुरे का पैकेट मांगा था, नहीं देने पर गाली गलौज करते हुए नाजुक अंग पर लात मार दी थी। इसे लक्ष्मण बेहोश होकर नीचे गिर गया था। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद शांतु भाग गया था। खोजबीन कर मंगलवार को एक स्थान पर दबिश देकर शांतु को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया, रावटी के ग्राम बरखेड़ा में इनका जो आदिवासी समाज थे, डामोर समाज का, इनका जो शीरा देवता, इनका जो पूजन का कार्यक्रम था, वहाँ पर डामोर समाज का कार्यक्रम था, उसमें रात्रि में लगभग 1:30 बजे के करीब
दो पक्षों में आपस में विवाद हुआ, जिसमें जो एक व्यक्ति है आरोपी है अपने प्रकरण में, शांतु पिता रमेश भूरिया, उसने शराब के नशे में आकर अपने समाज के कि अपने परिवार का ही व्यक्ति है लक्ष्मण पिता हरिया भूरिया, उससे उसकी कुरकुरे जो रहते हैं उसको आपस में खाने का बंटवारे के लेके बात हुई, उसी बात में उनकी हाथापाई हुई, झगड़ा हुआ और उसी झगड़े में उसके द्वारा मारपीट की गई जिसमें उसके प्राइवेट पार्ट्स में लगी। तो जो व्यक्ति था जो शांतु पिता रमेश भूरिया है वो ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गया। इसको प्रकरण को मर्ग जांच में लिया गया, मर्ग जांच पर से 302 कायमी की गई और इस प्रकरण में जो ये आरोपी था जो इसका ही परिजन भी था लक्ष्मण पिता हरिया भूरिया ये फरार था, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायालय पेश किया है। अतिक्रमण कर रहे परिवारों के मकान तोड़कर जब रेलवे ने उन्हें बेघर किया था तो ऐसे लोगों ने डोसी गांव में बने प्रधानमंत्री आवास योजना के 40 से ज्यादा फ्लैट्स पर शिवशंकर कॉलोनी और आसपास की बस्तियों में रहने वाले परिवारों ने अवैध कब्जा कर लिया, वो भी बिना किसी अनुमति के। हिम्मत यह है कि फ्लैट्स पर लगे सरकारी ताले तोड़कर कब्जा करने के लिए न केवल अपना कुछ सामान रख दिया बल्कि बाहर से खुद ताला लगा गए। बीते कई दिनों से फ्लैट्स पर किए जा रहे इन अवैध कब्जों की नगर निगम को भनक तक नहीं लग पाई। खुलासा तब हुआ जब रेलवे के हटाए जाने से प्रभावित हितग्राही परिवार जल्द फ्लैट आवंटन की गुहार लेकर मंगलवार को कलेक्टोरेट पहुंचे। अफसरों से बात करने के दौरान कुछ लोगों ने फ्लैट्स पर कब्जा करने की जानकारी दी। ये सुनकर अफसरों के कान खड़े हो गए। सूचना मिलने पर सिटी इंजीनियर सुरेश चंद्र व्यास, सहायक यंत्री श्याम सोनी, इंजीनियर मनीष तिवारी अमला लेकर पहुंचे। पड़ताल की तो लगभग 60 फ्लैट्स पर अवैध कब्जा मिला। ताला लगाने वालों की बहुत तलाश की गई लेकिन कोई सामने नहीं आया। गड़बड़झाला समझ आने के बाद निगम के अमले ने फ्लैट्स के ताले तोड़कर सामान बाहर निकलवाया, साथ ही फ्लैट्स पर फिर से सरकारी ताले जड़ दिए। ताले तोड़कर फ्लैट्स में घुसे लोगों को जैसे ही नगर निगम के अमले ने बाहर निकालना शुरू किया वे विरोध करने लगे। हंगामा बढ़ता देख पुलिस बल बुलवाना पड़ा। इसके बाद निगम इंजीनियर्स ने एक फ्लैट खाली करके ताला लगाया। इस दौरान कुछ महिलाओं ने रोते हुए गुहार लगाई कि रेलवे ने घर तोड़ दिए, परिवार को लेकर कहां जाएंगे। इस पर अफसरों ने विधिवत फ्लैट्स लेने की बात कहकर पीछा छुड़ाया। अब निगम ने वहां चौकीदार नियुक्त करने का फैसला किया है। पुलिस ने ताश पत्तों से जुआ खेल रहे युवकों को पकड़ा है। इनके पास से 50,000 से ज्यादा की नकदी जब्त कर 5 के खिलाफ अपराध कायम किया गया है। मानक चौक थाना पुलिस को मोमिनपुरा कसाई मंडी में दरगाह के पास जुआ खेले जाने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर पुलिस मौके पर कार्रवाई के लिए पहुंची। मौके पर 4 लोगों को ताश पत्तों का जुआ खेलते हुए देख उन्हें पकड़ा है, जबकि एक जुआरी मौके से फरार हो गया। पकड़ाई युवकों के कब्जे से पुलिस ने 53,660 रुपए सहित ताश पत्ते जब्त किए। मानव चौक थाना पुलिस ने इस मामले में जावरा रहवासी जाकिर हुसैन सहित 4 अन्य के खिलाफ 13 जुआ एक्ट में अपराध कायम किया। मानव चौक थाना पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया, रात को मोमिनपुरा कसाई मंडी के पास दरगाह है वहां पर पुलिस ने रेड डाली थी, जहां 4 जुआरियों को जुआ खेलते पकड़ा गया है और एक फरार है, मौके से भाग गया है, और जिसमें कुल 53,660 रुपये नकदी और जुआ ताश पत्ती जब्त की है हमने। और जो आरोपी हैं उसमें से जाकिर हुसैन, कमील हुसैन, विजय और निसार, इसमें से 2 जावरा के हैं और 2 यहीं रतलाम के हैं, और एक फरार आरोपी एजाज कुरैशी पिता अब्दुल बशीर कुरैशी है जिसकी तलाश जारी है, पकड़ लेंगे। सर कुछ पहले भी कभी आरोप एफआईआर दर्ज हो गया है? इनके अपराध रिकॉर्ड जावरा से बुलवाए जा रहे हैं और एजाज कुरैशी के पहले पुराने भी अपराध हैं जुए सट्टे के, इनके विरुद्ध और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर की ध्वस्त होती यातायात व्यवस्था के कारण सड़क किनारे पसरा अतिक्रमण, फुटपाथों पर कब्जा और पार्किंग स्थल व्यवस्था नहीं होना है। यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए कलेक्टर के निर्देश पर ट्रैफिक पुलिस सक्रिय हुई, जो सुधार के नाम पर सिर्फ चालानी कार्रवाई कर हमेशा वसूली तक ही लगी रहती है। शहर के यातायात को सुधारने के लिए लाइनिंग मार्किंग, एकांकी मार्क और फल सब्जी विक्रेताओं के लिए स्थल निर्धारित किया जा रहा है, लेकिन अब तक व्यस्त बाजारों और यातायात के दबाव वाले मार्गों से अतिक्रमण हटाने शुरू नहीं किए गए हैं। फुटपाथों पर अघोषित वाहन पार्किंग
और ठेले पर व्यापार करने वालों ने कब्जा कर रखा है। दुकानों के बाहर सड़क पर बड़ी संख्या में वाहन और ऑटो रिक्शा खड़े रहते हैं, जिन पर पुलिस अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सकी। ये है ACN डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम।